हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइबर ऑक्टोपस। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे रिवर्स इमेज सर्च के बारे में और यह टर्म जो है डिजिटल फोरेंसिक्स में क्या यूज़ होता है इसका, इसके बारे में बताएंगे और किस तरीके से जो है इमेज पे एनालिसिस किया जा सकता है, इमेज से इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट लाता रहता हूँ। अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.cyberoctopus.net पर विजिट करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको विजिट करने के बाद कोर्सेज पर क्लिक करना है जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर डाल रखे हैं, और आपको कौन से कोर्स में आपको क्या क्या आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, जिसमें आप देख सकते हो किस तरीके से जो है कौन कौन कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक हैं। अगर आप इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है रिवर्स इमेज सर्च और इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको हमने हमेशा बताते आया हूँ कि एक जो है हैकिंग फील्ड में जो है होता है सबसे पहला जो है वर्क होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है, अगर आप जो है हैकिंग करने जा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसका जो आपका टारगेट का सिस्टम क्या है, सिस्टम को भी एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि बहुत सारे क्या होते हैं पर्सन क्या होते हैं अपने जो है फ़ोन से जो है पिक्चर लेते हैं, जिसमें क्या होता है फ़ोन का जो है लोगो भी ऑन उसका जो है रहता है, इसमें वाटरमार्क रहता है फ़ोन का और उसका लोकेशन भी इनेबल हो जाता है। उससे क्या होता है एक वे है जिससे जो है आप फोटो से पिक्चर से जो है उसका लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो, उसके जो है इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो वो कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, कौन सा वर्जन का फ़ोन यूज़ कर रहा है। इससे क्या होता है विक्टिम टारगेट को जो है उसके अकॉर्डिंग जो है पेलोड बनाने में बहुत ही ईजी हो जाता है जो भी हैकर होते हैं। उससे क्या होता है आपका जो है कौन सा क्रिप्टर का यूज़ करता है उसको जो अनडिटेक्टेबल बनाने की कोशिश करता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्स इमेज सर्च जो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी यूज़ होता है इस टर्म का, जिसमें क्या होता है टारगेट के जैसे जो भी इमेज है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, वो कब जो है इसका ओरिजिन है, वो कौन सी डिवाइस से लिया गया है उस पर वो पिक्चर, और वो की पिक्चर कब लिया गया है, उसका टाइमिंग क्या है, वो सबसे पहले सोशल मीडिया में कहाँ अपलोड हुआ, उसके बारे में जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पर एक वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए फोटो फॉरेंसिक्स। तो इसमें क्या होता है आप जो है जैसे कोई भी इंटरनेट या URL में जो है आप जैसे कोई भी फेक प्रोफाइल जो है क्रिएट करके आपको मैसेज करता है, चाहे WhatsApp में, Instagram में या Facebook में, तो आप ये मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं उसका जो है प्रोफाइल पिक्चर जो है कहाँ से लिया गया है, उसका इमेज जो आपको सेंड कर रहा है क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसके बारे में भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और वो कहाँ से है, उसका ओरिजिन क्या है, क्या वो कहीं और सोशल मीडिया अकाउंट पे है, तो उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्योंकि ऑल ओवर द इंटरनेट फ्री कोर्स जो है ओपन सोर्स जो है बहुत सारे रिवर्स इमेज का जो है यहाँ पर टूल आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उस इमेज को अपलोड करके आप जान सकते हो वो कौन कौन से सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे अकाउंट पे वो आपका इमेज जो है अपलोड हुआ है, या फिर ये भी आप ये पता कर सकते हो जैसे कि आपका जो है कोई फोटो को मिसयूज़ कर रहा है, कहीं अपलोड करके यूज कर रहा है, तो इससे भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स जो है यहाँ पर है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को यहाँ पर ब्राउज करता हूँ, देख सकते हैं फोटो फॉरेंसिक्स है, तो यहाँ पर एक मैं इमेज को ब्राउज करता हूँ और देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे से मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए अपलोड फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद देखेंगे ये अपलोड हो जाएगा और इसके बारे में हमें डिटेल में बताया गया, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर मैं पिक्चर लिया हूँ, तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदरिंग किया है एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर मेटा डाटा पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है, ये कब ये पिक्चर लिया गया है और ये कौन सी डिवाइस से लिया गया है, ये सारे मुझे यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये जो है हमारे लोकेशन ऑन रहेंगे फ़ोन के डिवाइस के उस समय जो है इसका इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, ये कहाँ से जो है इसका लोकेशन है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसका GPS पोजीशन हम इसके जो है गैदर कर सकते हैं पिक्चर के। और यहाँ पर ये बहुत ही यूज़ होता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में रिवर्स इमेज सर्च, जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रिंग इसका देख सकते हैं, इसका सारे जो है GPG का
फॉर्मेट देख सकते हैं, कहाँ ये ओरिजिन देख सकते हैं, यहाँ पर ये है। और जो है लिनक्स में, अगर आप लिनक्स में यूज़ कर रहे हो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे काली लिनक्स है या पैरोसिरिटी लिनक्स है, तो उसके उसमें एक टूल है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जिफ टूल। ये टूल भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिवर्स इमेज जो है लुकअप करता है, जो कि आप देख सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो इमेज पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जीक्यूट करके टूल का यूज दिखा रहा हूँ, तो आपको कमांड देना होगा ex। तो मैं यहाँ जूम कर देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से कमांड शो हो। तो यहाँ पर कमांड लगाना ex एग्जिफ टूल। एग्जिफ टूल के बाद जो है, जो इमेज पे आप जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, उस पर डिटेल जानना चाहते हो, तो आपको वो इमेज जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये चीज़ बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप कौन सा जो है यहाँ पर फ़ोन का यूज़, ये चीज़ बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स का है, ये फ़ोन है, तो इस तरीके से जो है बता रहा है। और ये कब जो है ये पिक्चर लिया गया है, इसके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं। डेट भी आप देख सकते हैं, टाइमिंग भी देख सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किया जा सकता है इससे। इससे क्या होता है, आप टारगेट के बारे में ये भी जान सकते हैं कि वो कौन से डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सारे पेलोड सेटअप किए जा सकते हैं। तो ये आप इन सब चीज़ों से अवेयर रह सकते हैं। और अगर आपका जो है कोई मिसयूज़ कर रहा है सोशल मीडिया अकाउंट, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हो कहाँ कहाँ अपलोड है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आप जो है ऑल ओवर द इंटरनेट जो है रिवर्स इमेज सर्च जो है आपको मिल जाते हैं। इसमें आप जो है इमेज को अपलोड करते हैं, तो वो क्या करता है, सभी से वो मैच करता है कि वो इमेज कहाँ कहाँ सोशल मीडिया में यूज़ हो रहे हैं, अपलोड है, तो उनके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो अगर आप इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू।